इसी जीवन में आई और ये खुशियों की सौगात धाम के दिल सुनना सभी ये दर्द भरी माता रमा भाई का मैं त्याग तुम्हें बताऊं बोली भगवान भक्ति की एक बार बजे रहे माता बहनों परम पूज्य बाबा साहब को पहली दफा 25 रुपया अनुदान वजीफे के रूप में मिलते हैं। श्याम जी गायिका कपाल महाराज से एक दिन का जिक्र है मेरे प्यारे बंधु मैया रमाबाई जो है अपने आंगन में बैठी है जो परम पूज्य बाबा साहब की धर्म पत्नी है। आज मैया रमाबाई जो है बड़ी गरीब है माताओं का खाने को खाना नसीब नहीं होता है। शाम को मिल जाता तो सुबह नहीं और सुबह मिल जाता तो शाम को नहीं। कभी कभी तो माता रमाबाई पानी पीकर ही सो जाती थी। और एक बात याद रखना माता बहनों मैया रमाबाई के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था यशवंतराव, उसके बाद छोटे बेटे का नाम था रमेश, उसके बाद एक और बेटा था जिसका नाम था गंगाधर। आज मैया रमाबाई के 3 बेटे हैं। बड़ी गरीब है माँ रमा कि मैया बैठी मैया भगवान बुद्ध की
प्रभु बाबा साहब की याद रखना प्यारे बंदियों, एक दिन का जिक्र है। मैया रमाबाई जो है अपने तीनों बच्चों को लेकर के अपनी झोपड़ी में बैठी है और सभी बच्चों को खिला रही है और एक दिन का जिक्र है माता हो। इधर परम पूज्य बाबा साहब जो है झोपड़ी में बैठी हुई है, बड़ी गरीब है माता रमा, अपने तीन तीन बच्चों को पालन पोषण कर रही है, खिला रही है। एक दिन का जिक्र है मेरे प्यारे बंधु, परम पूज्य बाबा साहब है आ रही है और इधर जब परम पूज्य बाबा साहब आ रहे हैं तो परम पूज्य बाबा साहब रास्ते में श्याम जी महाराज का एक कबाड़ मिलते है। बोले भगवान बुद्ध की, बोले परम पूज्य बाबा साहब की। इधर मेरे प्यारे बंधु, इधर तो बाबा साहब आ रहे हैं और इधर परम पूज्य बाबा साहब को रास्ते में महाराज श्याजी राय का कबाड़ मिल जाते हैं। इधर जब बाबा साहब को रास्ते में श्याजी राय का कबाड़ महाराज मिले तो बाबा साहब ने दोष लगाते हुए देखा, मन में विचार करने लगे, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि महाराज श्याम जी राय का कबाड़ आ रहे हैं, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है। इधर हुआ क्या है? बाबा भी ऐसा सोच ही रहे थे तब तक मेरे प्यारे बंधु श्याम जी राय का कबाड़ जो है परम पूज्य बाबा साहब के नजदीक में पहुंच जाते हैं। जैसे नजदीक में पहुंचे बाबा साहब ने देखा तो मन में विचार करने लगे, हमारा तरीका जो था सोचने का वो एकदम सही था।